जब नल और नील बानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तभी राम ने देखा कि बड़े बड़े पत्थर बंदर लेकर आते और नल नील उस पर राम का नाम लिखते और समुद्र में डाल देते। ऐसा करते ही वह पत्थर तैरने लगता। देखकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, और उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और वे धीरे धीरे वहाँ से किनारे चले गए। ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर कोई नहीं था, सुनसान जगह था, और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सोचा कि मुझे राम लिखने की ज़रूरत क्या है, मैं तो स्वयं राम हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि वाकई में कैसे पत्थर तैरते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ के सारे पत्थर तैरने वाले ही हों। तब राम ने इधर उधर पहले देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तब उस पत्थर को समुद्र में डाल दिया। और जैसे ही पत्थर को समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। तब राम ने सोचा कि शायद यह ज़्यादा बड़ा पत्थर होगा, थोड़ा छोटा उठाकर देखा जाए। फिर राम जी ने एक और छोटा पत्थर उठाया और उसे भी समुद्र में डाल दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वह भी डूब गया। तब बड़े शर्मिंदा हुए, इधर उधर देखे, शायद कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। और देखा कि जब कोई नहीं देख रहा है तब पीछे मुड़े, और जैसे ही पीछे मुड़े तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे। देखकर राम घबरा गए। तब हनुमान ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे थे? राम सुखचा गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, पुल पर फेंकने वाले सारे पत्थर इसलिए तैर रहे हैं कि उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, और जिस पर आपका नाम लिख जाए, जिस पर आपका नाम छप जाए, वह कभी डूब नहीं सकता, वह कभी पतन की ओर जा ही नहीं सकता, वह तो ऊपर ही ऊपर तैरेगा और हमेशा हमेशा तैरता रहेगा। और प्रभु जिसे आप छोड़ दें वो भला कहाँ तैर सकता है, उसकी नैया तो डूबेगी ही डूबेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिसे छोड़ दें वह तैर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका डूबना तो निश्चय ही तय है।